बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं आलू गोभी। गोभी को हम काट के दिखाएंगे किस तरह से काटी जाती है। सबसे पहले हम छिलके उतारेंगे। गोभी हमने बना ली, अब बनाएंगे आलू। आलू और गोभी हमने बना ली, अब हम इनको धोएंगे। पानी की मदद से अच्छी तरह से साफ करेंगे गोभी और आलू को। घी हमने डाल लिया है। घी हमारा गर्म हो रहा है, अब इतनी देर में हम अदरक और लहसुन को कूट लेते हैं। घी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और प्याज। प्याज हमारा सुरख हो गया, अब हम इसमें डालेंगे एक अदद टमाटर। अदरक और लहसुन हमने डाली, अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई 2 चम्मच, सुरख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और नमक हसबे जायका। थोड़ा सा पानी डालेंगे। सलाजात को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। सलाजात हमारे तैयार हो गया, अब हम इसमें डालेंगे आलू और गोभी। अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सलाद हम अब हम देखते हैं। ये देखें, सलाद हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम चूल्हे से नीचे उतारते हैं और आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं। ये देख रहे, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए, हमने अब खाने के लिए प्लेट में डाल दिया है। ये देखिए कितना मज़े का बना हुआ है, दिखने में खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आज हमने सालन और रोटी के साथ साथ मीठी खीर भी बनाई है। ये देखें चावलों वाली। शाम काफ़ी हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी मदम दिखाई दे रही है। गांव में तवे पर किस तरह से रोटियां बनाई जाती हैं ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, इस तरह से पेड़ा किया। इठा ना पेड़ा करी माँ इठा। तवा हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें रोटी पका के डालेंगे इस तरह से। सही चंगी बनी है रोटी हमारी बन गई। ये देखें इस तरह से। रोटी हमारी तकरीबन थोड़ी सी तैयार होगी, अब हम सेके की मदद से नीचे पकाएंगे। इस तरह से पकाने से रोटी हल्की फुल्की हो जाती है और ये हाजमा भी जल्दी करती है। अब दूसरी साइड करेंगे। ये देखें बहुत ही खूबसूरत बनी है दोनों साइडों से। ये देखें, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो किस तरह की लगी। खुदा हाफिज़। बाय।